नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार गृहकार परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 8 कौन, जो एक कविता है, लिया है। इस पाठ के माध्यम से घर और खेत में पाए जाने वाले चूहे जो हमारा सामान कतर देते हैं उसके बारे में बताया गया है। इस पाठ के माध्यम से संज्ञा, क्रिया, विशेषण, तुकान शब्द आदि के कॉन्सेप्ट की व्याख्या की गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार गृहकार परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार गृहकार परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा, जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि विद्यार्थी घर और घर के आसपास के वातावरण से अनुभव लेकर ही पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं, और यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास, ये सारे गुण बच्चों में धीरे 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 इस नवाचार के कारण विकसित होने लगते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। जब इस नवाचार का क्रियान्वयन कक्षा में किया जाता है, शिक्षक एक तालिका बना लेते हैं और वो तालिका की प्रति हर विद्यार्थी को दे देते हैं और बोलते हैं कि आप घर जाइए और घर में जाके अपने अभिभावकों के साथ बैठ के डिस्कस करिए और ये तालिका भर के लाइए। इस जो तालिका देते हैं इस पाठ के लिए, उसमें एक ऊपर विद्यार्थी का नाम लिखा रहता है। उसके बाद जो घर में पाए जाने वाली रद्दी के सामान हैं जो कबाड़ी वाले को बेचे जाते हैं, उनकी लिस्ट बनाने को बोला जाता है, कौन कौन से सामान बेचे जाते हैं, और दूसरे कॉलम में वो रद्दी वाला सामान का क्या क्या करता है। बच्चे वो तालिका घर लेकर जाते हैं, अभी अपने अभिभावकों के साथ बैठ के फिर लिस्ट बना लेते हैं, जैसे रद्दी पेपर या जो पुराने पेपर होते हैं, या पुराना प्लास्टिक या पुराना टूटा फूटा का सामान, ऐसा लिख के लाते हैं। अब जैसे पुराना रद्दी कागज है वो कबाड़ी वाले को बेच दिया जाता है, तो कबाड़ी वाला उसको गलने के लिए बेच देता है, जिससे नया कागज बन जाता है। इसी प्रकार से प्लास्टिक का सामान जो टूटा हुआ रहता है, प्लास्टिक की बॉटल वगैरह बेच दी जाती हैं, उसको रिमोल्ड करके फिर से नया प्लास्टिक या नई चीज़ें बना दी जाती हैं। इस प्रकार से बच्चे भर के लाते हैं और दूसरे दिन कक्षा में सभी कक्षा के सामने उसको सुनाते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से जो जो रद्दी चीज़ें होती हैं घर में, और उसका जो संज्ञा है, जैसे रद्दी कागज हो गया, प्लास्टिक बॉटल हो गया, कांच की शीशी हो गई, या और कोई सामान हो गया, ये पूरा संज्ञा जो है वो क्लियर हो जाती है। फिर उसके बाद उसमें क्या करते हैं, गलाते हैं, उसको जलाते हैं, तो ये जो क्रिया है वो भी क्रिया क्लियर हो जाती है। तो इस नवाचार के माध्यम से संज्ञा, क्रिया, विशेषण, तुकान शब्द आदि को क्लियर किया जा सकता है। उम्मीद है कि इस नवाचार का क्रियान्वयन आपको भी बहुत पसंद आया होगा, उसे क्रियान्वयन आप अपने विद्यालय में जरूर करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं, प्लीज़ ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार के वीडियो के साथ हम आते रहेंगे, आप ये वीडियो देखते रहिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।